जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ, रायपुर नगर निगम की बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। निगम का बजट 2000 करोड़ होने की उम्मीद जताई जा रही है। सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। दरअसल नगर निगम के बजट की तैयारियों के लिए महापौर और उनकी परिषद के सदस्यों की मार्च के पहले सप्ताह में बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में बजट के प्रारूप पर चर्चा होगी और सभी MIC सदस्यों साथ ही पार्षदों से प्रस्ताव मांगे जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस साल का बजट 2000 करोड़ से ज्यादा का होगा। इससे शहर में कई प्रकार की नई सुविधाएं मिलने वाली है। मार्च के अंतिम सप्ताह में निगम का बजट पेश होने वाला है। इसके लिए अब तक न तो पार्षदों से प्रस्ताव आए हैं और न ही बजट को लेकर किसी भी तरह की चर्चा हो पाई है। कांग्रेस महाधिवेशन को लेकर महापौर समेत सभी पदाधिकारी पिछले कुछ दिनों से व्यस्त थे और अधिवेशन खत्म होने के बाद अब नगर निगम की पहली प्राथमिकता बजट को लेकर जनप्रतिनिधियों की राय लेनी है। बिलासपुर में मई तक सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात मिल जाएगी। दरअसल कोनी में बन रहे प्रदेश के सबसे बड़े सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण अब अपने अंतिम समय पर आ चुका है। मौजूदा स्थिति में आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण लगाने का काम अंतिम चरण में है। ऐसे में सिम्स प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक मई माह तक अस्पताल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में पहले चरण में अस्पताल की शुरुआत 100 ICU और 244 बेड के साथ किया जाना है। वैसे तो इस अस्पताल को साल 2022 के नवंबर तक पूरा कर हो जाने चाहिए था, लेकिन समय पर चिकित्सकीय मशीन नहीं पहुंचने की वजह से काम में रुकावट आ गई और 12 मंजिला भवन तैयार होने के बावजूद काम रुका हुआ था। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने इसे गंभीरता से लिया और चिकित्सकीय मशीन को मंगवाने में अहम भूमिका निभाई। साल के अंत में तमाम चिकित्सकीय मशीन पहुंची, वहीं अब 2 महीने के भीतर लगभग सभी मशीनों को स्थापित किया जा चुका है और अब अंतिम निर्माण कार्य बांधना शेष रह गया है, जिसके बाद इसकी सौगात प्रदेशवासियों को मिल जाएगी। भारतीय किसान संघ का प्रदर्शन रायपुर में जंगी प्रदर्शन के तौर पर दिखाई दिया, जहां पाराघाट किसानों का दर्द निकलकर सामने आया। दरअसल भारतीय किसान संघ के राज्य सरकार के बजट पेश होने के पहले रायपुर में बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर जंगी प्रदर्शन किया गया। किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले सरकार के खिलाफ मांगों को लेकर आवाज बुलंद किया। इसी दौरान किसानों ने 2 वर्ष का बोनस दिए जाने के साथ ही रबी फसलों की खरीदी और प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की मांग को दोहराया। बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर लगभग 18 जिलों के किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान संघ के बैनर तले प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचकर संगठन के नेताओं ने सरकार के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर जमकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा धरना को अलग अलग जिलों के किसान नेताओं ने संबोधित भी किया। गरियाबंद के भुवनेश्वर साहू सरकार पर दोहरा चरित्र का आरोप लगाए। 105 घरों में विजिलेंस की टीम ने दबिश दी। बिजली चोरी करते 4 पकड़े गए और इसके अलावा कार्यवाही भी हो रही है ताबड़तोड़ तरीके से। दरअसल बिजली चोरों की धरपकड़ करने के लिए अब विजिलेंस टीम ने भी जांच करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में टीम ने गोल बाजार, सरकंडा व तोरवा थाना क्षेत्र के 105 घरों में दबिश दी। इसी दौरान 4 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते पकड़ा गया, वहीं 12 घरों में अनियमितता पाई गई। दरअसल प्रदेश सरकार विजिलेंस टीम द्वारा बिजली कनेक्शनों पर छापामारी कार्यवाही की जा रही है और इस दौरान बिजली चोरी के मामले पकड़े जा रहे हैं। 2 दिन पहले भी हुई औचक जांच के दौरान कार्यवाही की गई थी और इसके अलावा विद्युत विभाग प्रबंधन के अनुसार शहर में गर्मी के मौसम में विद्युत खपत एवं विक्रय का अनुपात अन्य मौसम की तुलना में अधिक बढ़ जाता है, जिससे विभाग को संदेह है कि गर्मी के मौसम में कुछ घरों में लोग AC व कूलर का उपयोग मीटर से छेड़छाड़ करके या फिर डायरेक्ट कनेक्शन लेकर उन्हें चलाते हैं, जिसके चलते विभाग को काफी ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर के अब सघन चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने सरकार को जगाने के लिए पोस्टकार्ड अभियान चलाया है। सरकार से इन्होंने अपील की है भावनात्मक तरीके से राज्यपाल से मिलकर अपनी समस्याओं को भी बताने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में अपनी 6 सूत्री मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने पोस्टकार्ड अभियान चलाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग पूरी करने के लिए भावनात्मक अपील की है। पिछले 1 माह से ज्यादा समय से हड़ताल कर रही कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री के घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार कलेक्टर दर पर
वेतन भुगतान और नर्सरी शिक्षक समेत अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के मांग की है। एक माह से हड़ताल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने इस संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ की जिलाध्यक्ष अनूप कुशवाहा ने बताया कि अपनी 6 सूत्री मांगों के समर्थन में वे पिछले 23 जनवरी से पूरे प्रदेश के लाखों कार्यकर्ता और सहायिकाएं हड़ताल पर हैं। इसके अलावा संघ में पूरे प्रदेश में पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया। इसके अलावा इनका कहना है कि हम जो है राज्यपाल से मिलकर अपनी मांगों को अवगत कराएंगे। रायपुर के खारून नदी में सफाई अभियान चलाई गई। देश भर के 1100 जगहों पर संत निराकरी मिशन के सदस्यों ने योगदान दिया और स्वच्छ जल स्वच्छ मन का संदेश दिया गया। रायपुर के खारून नदी घाट में बीते दिन संत निरंकारी मिशन ने सफाई अभियान चलाया, जिसमें सेवादारों और सत्संग से जुड़े तकरीबन 600 लोगों ने अपना योगदान दिया। भविष्य के जल संकट से बचने और जल बचाव के उद्देश्य से इस सफाई अभियान की लोगों ने जमकर तारीफ की। मुहिम को सफल बनाने के लिए इसके पहले एक कार्य योजना बनाई गई थी, जिसे लेकर के इस कार्य को अंजाम दिया गया। साथ ही देश में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज और निरंकारी राजपिता ने सुबह 8 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत छठ घाट से की। छठवीं मंजिल से एक छात्रा ने छलांग लगा दी, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो संवेदनशील है, पूरा वीडियो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। लोग कहते रह गए कि बेटा नीचे उतर जा, लेकिन ये नहीं मानी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही इस छात्रा की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्कूल की छात्रा ने निर्माणाधीन इमारत की छठवीं मंजिल से कूद कर अपनी जान दे दी। अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई और आसपास के लोगों ने उसे नीचे उतारने के लिए समझाते रह गए, लेकिन लड़की नहीं मानी। टिकरापारा थाना क्षेत्र की घटना है, जहां 16 साल की छात्रा संतोषी नगर के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। सोमवार को दोपहर वह अचानक बोरिया खुद इलाके में बन रही इमारत में चढ़कर छलांग लगा दी। आसपास के लोग लड़की को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए अम्बेडकर अस्पताल भेजा गया है। बड़ी संख्या में महिलाओं ने बाइक रैली निकाली। महिला सशक्तिकरण का संदेश इंटरनेशनल वुमेन्स डे को लेकर के दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब से महिला सशक्तिकरण का संदेश लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने बाइक रैली आयोजित की। रैली में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायिका, इसके अलावा छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेज कुंवर नेताम भी शामिल रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि थी और महिलाएं इस रैली में शामिल हुई। उन्होंने रैली में गर्भ सुपोषित छत्तीसगढ़ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी संदेश दिया। रैली तेलीबांधा तालाब से शुरू होकर घड़ी चौक, आमापारा, स्टेशन चौक होते हुए फाफाडी चौक, इसके अलावा अंबेडकर चौक, केनाल रोड होते हुए लगभग 15 किलोमीटर दूरी तय करते हुए वापस तेलीबांधा तालाब आकर समाप्त हुई। प्रदेश में अब जो है 28 नए सरकारी राशन दुकान खुलने वाले हैं, जिसको लेकर के कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी किए हैं। फिलहाल खैरागढ़ जिले से खबर, जहां कलेक्टर डॉक्टर जगदीश जो सोनकर के निर्देशानुसार कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी गंडई के द्वारा जारी सूचना में KCG छुईखडान विकास खंड में 28 सरकारी उचित मूल्य की दुकान खोलने अथवा समूह द्वारा यानी कि सहायता समूह के द्वारा विविध रूप से प्रारूप में आवेदन करने को लेकर के 15 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो समूह अथवा समितियां उचित मूल्य की दुकानों के संचालन के लिए इच्छुक हैं, वे 27 फरवरी से कार्यालयीन समय में अनुविभागीय अधिकारी छुई खडान को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नौकरी पाने का एक अवसर आया है, क्योंकि 59 पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन आज होने वाला है, जिसमें आप अप्लाई भी कर सकते हैं। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन हो रहा है। ये कैंप आज के दिन रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर रायपुर में लगाया जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक इच्छुक अभ्यर्थी शामिल होकर कैंप का लाभ ले सकते हैं। जिला रोजगार विभाग के उपसंचालक के मुताबिक प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से विश्व भारती ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड एवं बजाज फाइनेंस रायपुर द्वारा सेल्स एग्जीक्यूटिव टेलीकॉलर, साथ ही इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव HRIE, इसके अलावा सर्विस एडवाइजर, इसके अलावा सेल्स ऑफिसर, साथ ही साथ 59 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता 12वीं या फिर किसी भी संकाय में स्नातक या BE मैकेनिकल उत्तीर्ण रखी गई है।
आम आदमी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ करके बीजेपी दफ्तर का घेराव कर दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी का विरोध किया गया, कहा अघोषित आपातकाल को समझ रही है जनता। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस का घेराव कर जमकर हल्ला बोला। रैली लेकर के एकात्म परिसर का घेराव करने पहुंचे पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पुलिस की तमाम सुरक्षा घेरा और बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, दफ्तर का घेराव किया और यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार पर सीबीआई और साथ ही साथ ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए देश में अघोषित आपातकाल को जनता देख और समझ रही है इस बात की जानकारी दी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी व कार्यकर्ता मरही माता मंदिर के सामने एकत्रित होकर मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए रैली लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे। अनुकंपा नियुक्ति के लिए मुंडन कराया गया। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर मुंडन कराएंगी दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवाएं, चार महीने से आंदोलन जारी है। दरअसल इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर पंचायत शिक्षकों की विधवाओं के प्रदर्शन का है, जहां अनुकंपा नियुक्ति शिक्षा कर्मी कल्याण संघ लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन करती चली आ रही है और अब प्रदर्शनकारी महिलाएं मुंडन कराकर विरोध दर्ज करा रही है। इसके अलावा बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में महिलाएं मुंडन करा रही हैं। 20 अक्टूबर से इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। उल्लेखनीय है कि राजधानी रायपुर में दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर, जो कि है अनुकंपा नियुक्ति, 20 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। प्रदर्शनकारी महिलाएं अपनी मांग को लेकर सरकार को जगाने के लिए कई तरह से हथकंडे अपना चुकी हैं, बावजूद इसके सरकार से अब तक इस दिशा में कोई भी ठोस पहल नहीं की गई है। शहीद का शव गृह ग्राम पहुंच चुका है। आईईडी ब्लास्ट में जसपुर के बेटे ने अपनी जान गंवाई है। ससम्मान इनका अंतिम संस्कार किया गया। नारायणपुर जिले में आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जसपुर जिले के संजय लकड़ा का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में ससम्मान किया गया। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ उनके पैतृक निवास लाया गया। इसके बाद सलामी के साथ उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। इसके अलावा संजय लकड़ा नारायणपुर जिले के छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की 16वीं बटालियन में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। इसके अलावा बात करें तो जसपुर विकास खंड के बामहनपुर गांव में विधायक कलेक्टर और एसपी ने पहुंचकर सीएएफ के शहीद जवान स्वर्गीय संजय लकड़ा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक का बंगला घेराव करने के लिए बड़ी संख्या में भाजपाई एकत्रित हुए। पुलिस जवानों के साथ जमकर इनकी झूमा झटकी हो गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में बीते दिन भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस जवानों के बीच जमकर झूमा झटकी हो गई। ना आवास है और ना विकास है, भूपेश बघेल बकवास है, इन सब तमाम नारों के साथ नारे लगाते हुए दोपहर को भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई कार्यकर्ता पीसीसी चीफ व क्षेत्रीय विधायक मोहन मरकाम के बंगले का घेराव करने पहुंचे। जानकारी के अनुसार पूर्व सूचना के चलते पुलिस के द्वारा विधायक मोहन मरकाम के बंगले के चारों तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं बंगले के आसपास 100 से ज्यादा पुलिस के जवान व अधिकारी तैनात रहे। बावजूद इसके भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज करते हुए मोहन मरकाम के बंगले का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन वे पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को तोड़ नहीं पाए। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।